ऐ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, ऐ सारी कायनात के शहंशाह, ऐ सारी मखलूक के पालने वाले, ऐ ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला करने वाले, ऐ आसमानों और ज़मीनों के मालिक, ऐ पहाड़ों और समंदरों के मालिक, ऐ इंसानों और जिन्नातों के माबूद, ऐ अर्श आज़म के मालिक, ऐ फरिश्तों के माबूद, ऐ इज़्ज़त और ज़िल्लत के मालिक, ऐ बीमारियों से शिफा देने वाले, ऐ बादशाहों के बादशाह, ऐ अल्लाह हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, तेरे ख़ताकार बंदे हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे ख़ताओं को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह हम अपने अगले पिछले सगीरा कबीरा छोटे बड़े सभी गुनाहों और ख़ताओं की और नाफरमानियों की माफ़ी मांगते हैं। ऐ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल कर ले। ऐ अल्लाह हम गुनाहगार है, सियाकार है, बदकार है, तेरे हुक्मों के नाफरमान है, नाशुक्रे है, लेकिन मेरे माबूद तेरे नाम लेवे बंदे ही है, तेरी तौहीद की गवाही देते हैं, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, बंदगी के लायक नहीं, कोई तारीफ के लायक नहीं। हमारे माबूद हमारे गुनाह तेरी रहमत से बड़े नहीं हैं, तू अपनी रहमत से हमें माफ़ कर दे। अल्लाह आप हमें गुमराही के रास्ते से हटाकर सिरातिल मुस्तकीम के रास्ते पर चलने वाला बना दे, सिरातिल मुस्तकीम के रास्ते पर चलने वाला बना दे। अल्लाह ऐसी नमाज पढ़ने की तौफीक अता कर जिस नमाज से तू राज़ी हो जाए, ज़िंदगी में ऐसे नेक अमल करने की तौफीक अता कर जिन अमालों से तू राज़ी हो जाए, हमें ऐसी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता कर जिस ज़िंदगी से तू राज़ी हो जाए, ईमान पे ज़िंदा रख और ईमान पे ही मौत अता कर। ऐ अल्लाह हम तेरे हुक्मों की फरमा बरदारी करने वाला बना दे और तेरे प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेक और पाकीज़ा तरीक़ों को अपनी ज़िंदगी में लाने वाला बना दे। ऐ अल्लाह हमारे परेशानियों को दूर कर दे। ऐ अल्लाह जो बीमार है उन्हें शिफा कमीला अता फरमा। ऐ अल्लाह जो कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं उनका कर्ज जल्द से जल्द अदा करवा दे। ऐ अल्लाह शैतान से हमारी हिफाजत फरमा। दुश्मनों का इस्लाम के मुँह काला कर। ऐ अल्लाह हलाल रिज़्क कमाने की तौफीक अता कर। ऐ अल्लाह हमारे सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हमारे ख़ताओं को दरगुज़र फरमा। या अल्लाह हमें लैलतुल क़द्र नसीब फरमा। या अल्लाह हमें कामिल ईमान नसीब फरमा और पूरी हिदायत अता फरमा। या अल्लाह हमारी ज़बान पर कलिमाए तैयबा हमेशा जारी रख। या अल्लाह हमें पूरे रमज़ान की रहमतें बरकतें और अनवारात से मालामाल फरमा। या अल्लाह हमारे दिलों को इखलास के साथ दीन की तरफ फेर दे। या अल्लाह अपनी ख़ास रहमत नाजिल फरमा, अपने कहर व अज़ाब से बचा। या अल्लाह झूठ गीबत कीना बोझ तपक तकब्बुर बुराई और झगड़े से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह एक लम्हे के लिए भी हमें दुनिया के हवाले ना फरमा। या अल्लाह तंगदस्ती खौफ घबराहट और कर्ज के बोझ को दूर फरमा। या अल्लाह हश्र की रुसवाई से हमें हमारे वालिदैन और पूरे उम्मत मुहम्मदिया की हिफाजत फरमा। या अल्लाह पुल सिरात से बिजली की तरह गुजार दे। या अल्लाह बिना हिसाब व किताब जन्नतुल फिरदौस में हमें और हमारे माँ बाप को जगह अता फरमा। या अल्लाह नाम आमाल हमारे दाहिने हाथ में अता फरमा। या अल्लाह अपने अर्श के साए में हमें जगह नसीब फरमा। या अल्लाह हज बैतुल्लाह मकबूल व मबरूर नसीब अता फरमा। या अल्लाह मुनकिर नकीर के सवालात हम पर आसान फरमा। या अल्लाह हलाल रोज़ी अता फरमा। या अल्लाह इस दुनिया से कोरोना वायरस की वबा को खात्मा कर दे। या अल्लाह क़यामत के रोज़ अपना दीदार अता फरमा। या अल्लाह हमें तेरे बंदों का मोहताज ना बना। या अल्लाह छोटी बड़ी बीमारी से हमारी और कुल उम्मत मुहम्मदिया की हिफाजत फरमा। या अल्लाह तक़वा और परहेज़गारी नसीब फरमा। या अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे तरीक़ों हमें सिखा दे और आप की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात नसीब अता फरमा। या अल्लाह क़यामत के दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक हाथों से जामे कौसर पीना नसीब फरमा। या अल्लाह हमारे
दिलों में हुजूर की मोहब्बत अता फरमा। या रहमान या रहीम या मालिक या कुद्दूस या सलाम या गफ्फार या गफूर या करीम, हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हमें गुनाहों से नफ़रत दे दे। या अल्लाह जाने अनजाने में हमसे जो गलतियाँ हुई है उन्हें माफ़ कर दे। या अल्लाह हम जो गलतियों की तौबा करना भूल गए हैं उन गलतियों को भी माफ़ फरमा। या अल्लाह तमाम मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। दोज़ख़ के अज़ाब से, क़ब्र के अज़ाब से, जहन्नम की आग से बचा। या अल्लाह हमें नेक बना। या अल्लाह हमारे बच्चों को नेक तौफीक और नेक हिदायत अता फरमा। या अल्लाह हमारे बच्चों की ज़िंदगी आसान कर दे। या अल्लाह हमारे बच्चों के इम्तिहान में कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह हमें अपने माँ बाप की तरफ प्यार और सब्र से पेश आने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह तमाम उम्मत मुस्लिमा की जायज़ दुआएं कबूल फरमा। या अल्लाह हमारी दुआओं को अपने फजल व करम से और अपने रहम से कबूल फरमा, कबूल फरमा। ए परवरदिगार आलम, हमें मांगना नहीं आता लेकिन तुझे देना आता है, तो हर चीज़ पे क़ादिर है। जो मांगने से रह गया अल्लाह उसे भी इनायत अता फरमा। हमारी दुआओं अपने रहम से अपने करम से कबूल व मंजूर अता फरमा। اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين।